हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्जु काजमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी आज ज्वाइन किया तारिक फतेह साहब ने, बहुत शुक्रिया सर, क्या जा पाए हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक सर। और आज सबसे पहले तो जो न्यूज चल रही है न्यूयॉर्क की, सलमान रुश्दी की, क्या कहेंगे आप? अब मैं क्या कहूं, जिन लोगों की सोच जानवरों की हो, जिन्होंने जिंदगी में ना कभी लिखा हो ना पढ़ा हो, जिनके हर दो दिन के बाद गुस्ताखे रसूल जिनको समझ में आ जाती हो, मैं तो सिर्फ एक सवाल करता हूँ ऐसे बावलों से कि तुमने किसी बेवा से शादी की है? वो कहते हैं नहीं। तो मैंने कहा फिर घर जाओ, हमें इस्लाम मत पढ़ाओ, क्योंकि पहला काम तो तुम्हारा होना चाहिए किसी अपने से बड़ी उम्र की बेवा से, जो 15 साल आपसे बड़ी हो, उससे शादी करें, तब बनेगा ना सुन्नत रसूल। और आपको बड़ा प्यार है अपने पैगंबर से, किताब बगैर पढ़े सैटैनिक वर्सेस आपने फतवे लगा दिए, और ईरान के खुमैनी को बताइए लब चमचा या डंडा, ये सब तो आपकी वोकैबुलरी में नहीं है। उस किताब के अंदर आप पढ़ेंगे, इफ़ यू आर नॉट फ्रॉम इंडिया पाकिस्तान, आपको उसका ह्यूमर नहीं समझ में आएगा सैटैनिक वर्सेस में। और किसी ने पढ़ी भी नहीं है। मज़े की बात ये है कि वैसे मैं कवर पर दिखा दूँ मेरे पास है, ये लीजिए। अच्छा, जैसे ऊपर वो तस्वीर है ना, वैसे ही सलमान रुश्दी के ऊपर भी बंदा जो शक्ल से हमें नजर आया तो मुझे तो पाकिस्तानी लगता है। हो सकता पाकिस्तानी ना हो, लेकिन ये करतूत हमारे ही होते हैं, जापान से लेकिन पता नहीं किस किस कितने लोगों को मारा है हमने, ट्रांसलेटर्स को और ये सब। सो अफसोस की बात है कि वो कॉन्फ्रेंस हो रही थी, टॉक जो थी वो उन राइटर्स की थी जिन्होंने अमेरिका में पनाह ली, इसलिए कि वो जिन मुल्कों से आ रहे वहां उन्हें लिखने की इजाजत नहीं थी। तो इट वाज अ गैदरिंग ऑफ माइनॉरिटी राइटर्स हु हैव फ्लेड फ्रॉम देयर कंट्रीज, घर वालों को छोड़ के, पर इसलिए आए कि यहाँ अपनी मर्जी से कुछ लिख सके। और उसमें फिर कोई ऐसे पुलिस ने तो नहीं कहा, मैं तो शक्ल देख के बता रहा हूँ, पाकिस्तानी ज्यादा खड़ा हो गया, सरतन से जुदा, ज्यादा ज्यादा पाकिस्तानी नहीं होगा तो इंडियन हो जाएगा। कौन सा बड़ा फर्क पड़ रहा है इंडिया पाकिस्तान के मुसलमानों में, एक ही सांचे में बने हुए हैं, वही जबान बोलते हैं, वही सोच है। दे अटैक्ड हिम, गर्दन पे छुरी मारी उसके, ही इज इन हॉस्पिटल राइट नाउ। न्यूयॉर्क के गवर्नर ने कहा ही इज इन, थैंक गॉड नॉट एनीवेयर क्लोज टू बीइंग अ फैटलिटी, बट इट जस्ट टेल्स अस। अब इसके बाद आप कहेंगे कि साहब इस्लामोफोबिया बहुत है अमेरिका में, ये जो आई थी आपकी मेहमान कांग्रेसमैन मिनेसोटा की क्या है, जिसने भाई से शादी करके फिर से ब्रिटेन भेज दिया था, खैर एनीवे दो चार और भी हैं, एक का नाम तालिब था तो वो टिलैब कहती हैं अपने आप को, उनसे भी शायद आप वाकिफ होंगी, इस टाइप के डिट्रॉयट से जो हैं। इन लोगों ने धंधा बनाया हुआ अपना कि इस अमेरिका में इस्लामोफोबिया बहुत ज्यादा है। तो अब आप बताइए इसके बाद क्या होगा। आप तो हर स्कूल में आपने कैफेटेरिया में मस्जिदें बनाई हुई हैं, जमात इस्लामी और मुस्लिम ब्रदरहुड के लड़के आके बच्चियों को हिजाबें पहनाते हैं, फिर उन पे वो गाड़ी गाड़ी आवाज में अरबी के वर्ड कहते हैं। आपको पता है कि आजकल मुसलमान बच्चों की यंग लोगों की गैदरिंग में ताली बजाने की इजाजत नहीं है उनको, वो क्यों, वो तालिबान की तरह? हाँ, जैसे तकबीर अल्लाहु अकबर। तो जब भी ये जो पूरा 50,000 साल से इंसान ताली बजा रहा है खुशी के अंदर, उन्होंने कहा ये तो कुफर है। तो आजकल अमेरिका और कनाडा और यहाँ के जो इलीट मुसलमान बच्चे बच्चियाँ हैं वो तकबीर अल्लाहु अकबर कहते हैं, तो दे डोंट क्लैप। ये हालत हो गई है आपके, आप अब ताली भी नहीं बजा सकते। डिज़ाइनर इस्लाम आ गया है, उसको फॉलो करें। किताब पढ़ी ना हो या ना हो, मैं आपसे बेट कर सकता हूँ कि सैटैनिक वर्सेस बड़ी मुश्किल किताब पढ़ना, आई डोंट नो एनी वन। और जो उसकी एक ज़बरदस्त किताब है जो पार्टीशन पे उसने लिखी थी, माय गुडनेस यू शुड रीड इट, इज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स आई हैव रेड इन द इंग्लिश लैंग्वेज। क्या है उसका, खैर
पहली किताब जो थी सलमान रुश्दी की, इट्स एन एब्सोल्यूट ब्रिलियंट बुक के पार्टीशन हो रहा है और कौन फौजी कहाँ बैठा हुआ है और लोग क्या बातें आपस में कर रहे हैं, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। और बाद में भी इसने शालीमार द क्लाउन एक लिखी है जो कश्मीर बेस्ड है, बेतहाशा किताबें लिखी हैं, सम आर वेरी गुड, सम आर वेरी टफ टू रीड। ये जो सैटैनिक वर्सेस है, आप अगर आप मुसलमान नहीं हैं तो आपको समझ नहीं आएगा क्या क्या रहा है। और मैं तो एक सीधी बात कहता हूँ, जब चमचा जब एक आप यूज करें तो किसी अरब या ईरानी को नहीं पता ये क्या कह रहा, ये तो तय हो गया कि उनकी वो ऑडियंस थी नहीं। और खुमैनी साहब को गुस्सा आ गया, मैं इसको मारूंगा, अल्लाह अल्लाह जो 3 मिलियन बांट रहे हैं लोगों को कत्ल करने के लिए। उसके बाद फिर ये ना कहे ना कि इस्लामोफोबिया, पूरे अमरीका में पूरी 250 साल की तारीख में आज तक कभी किसी राइटर पे हमला नहीं हुआ। दिस इज द फर्स्ट टाइम के एन ऑथर हैज बीन अटैक्ड। उसका इम्पैक्ट क्या होगा आम अमेरिकन पे, लोग कैसे सोचेंगे? बाकी तो छोड़ दीजिए, ये डब्बू किस्म का प्रेसिडेंट है, इसको तो पता भी नहीं चलेगा कई दिन तक कि हुआ क्या, उसकी वाइस प्रेसिडेंट को भी नहीं पता होगा। लेकिन जो जनरल पॉपुलेशन है, जो रिपब्लिकन पार्टी का वहाँ बढ़ता हुआ समय, मिड टर्म इलेक्शंस हैं, उसमें कौन क्या कहेगा कि क्या किस टाइप के लोग आ रहे हैं इस मुल्क में। उसने तो ट्रंप ने कह दिया कि वी डोंट वांट मुस्लिम्स इन अमेरिका, बड़े लोग नाराज हुए। अब ये अगर कहेगा तो डोंट यू थिंक इट विल रेजोनेट? कि किताब लिखने पे ये आप दुनिया में बहुत कम लोग समझ सकते हैं कि किसी की किताब लिखने पे उसका कत्ल किया जाए। इट रियली टेल्स यू कि ये लोग पढ़ने के काबिल ही नहीं है, इनके लिए कुछ नहीं है। ये फिर नालंदा यूनिवर्सिटी जो जलाई खिलजी साहब ने, ये तब से चल रही 12वीं सदी से ये हरकतें कर रहे हैं, किताबों से दुश्मनी है। तक्षशिला में जलाई, हर जगह जहां जहां यूनिवर्सिटी थी मुसलमानों ने किताबें जला दी। जो बेचारे एक आध मुसलमान लिखता था उस पर कुफर का इल्जाम लगता था, इब्ने रुश्द है या किंदी है, इब्ने खल्दून है, इन सबको कुफर का इल्जाम लगा के भागता रहा। इब्ने रुश्द स्पेन से कहां मिस्र में जाके बैठा। हम तो सिर्फ मारने मराने के लिए तैयार हैं, ना भिटाई को सुनते हैं, ना भुले शाह को सुनते हैं, ना किसी की बात करते हैं। हमें उर्दू, गहरी उर्दू में बस बात कोई कर दे जो गला गड़बड़ करके ना वो अरबी की तरह, जैसे भाई साहब इस टाइप की बात करते हैं, लोग कहते हैं वाह 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 वाह। तो वी आर कंप्लीटली फेक। 500 किताब से ज्यादा तो कोई बिकती नहीं, मैंने आपको पहले ही बताया था पाकिस्तान में। लेकिन इसका मतलब है कि अब वहां पे अमेरिका, कनाडा या किसी और जगह यूरोपियन कंट्री में भी लोग इस तरह से महफूज नहीं है, और लोगों का जो है, अगर उनको बुक पसंद नहीं आई, कोई बात पसंद नहीं आई, तो उसका मतलब ये तो नहीं है कि किसी को जान से मार दिया जाए। तो और कि इससे क्या साबित हुआ जो आज वाकया हुआ कि गर्दन पे छुरी मारी, द मैन वॉन्टेड टू किल। द पॉइंट इज कि एक यंग आदमी इस बात के लिए तैयार था कि उसको फांसी की सजा हो, लेकिन वो जब भी रोज़ क़यामत आएगी उसको मिलेंगी 72 हूरें। वो इस चक्कर में बैठा हुआ, यहाँ तो कोई घास नहीं डाल रहा उसे, यहाँ तो वो उबर टैक्सी चला रहा है इधर से उधर, कोई यू नो कॉर्नर स्टोर पे बैठा हुआ, वहाँ जाके ठाठे मारेगा। शहद की नदियों में पता नहीं कैसे क्या तसव्वुर है शहद की नदी में नहाने का, सोच के आदमी कुछ कौन लोग हैं जो शहद की नदी में नहाते हैं? नदी में नहाने को भी बोले तो वो भी अजीब सा लगता है। क्या टेंशन है शहद की नदी में नहाने का, कितना बावला बना है, बट उस पे का उस इस बात पे गर्दन काट देंगे। ये जो आप हंस दी ना, आपकी भी कटेगी मेरी भी कटेगी इस चक्कर में। हाँ कुछ इस तरह कर ले, 40 अपने पढ़ ले, आज तक कुर्सी पढ़ के ताली बजती है या हनुमान चालीसा पढ़ के कुछ तो होगा। हर रिलीजन में जो जो है सभी पढ़ के मैं पूछ लू, शायद कोई असर हो। देखिए हम हंस रहे हैं, लेकिन हम पे दुनिया हंस रही है।
हम कुछ कंट्रीब्यूट ही नहीं कर पा रहे, हमारा दिमाग ही इसमें लगा कि अमेरिका में बैठा हुआ बंदा जाके अरे कुछ कर लेता, कहीं पढ़ लेता तो पीएचडी कर लेता, और कोई जा रहा है, स्कूल है, इवनिंग स्कूल है, लोग कहाँ से कहाँ अमेरिका में चले जाते हैं, कि गया अपनी जन्नत के चक्कर में चले गए। कहा तो ये जाता है सर कि रिलीजन का बहुत ही प्राइवेट मामला होता है, उसमें किसी को पढ़ने की या किसी को बुरा बनाने की कोई बात नहीं, मुसलमानों के लिए नहीं होता प्राइवेट मामला, मुसलमानों ने कब किया है, इमाम हुसैन की गर्दन काट दी, प्राइवेट मामला कहाँ से होगा। ये तो माविया और यजीद के मुसलमान है, हम सारे पैदा किए हुए, आज तक अभी सुफियान को नहीं हम कुछ कह सकते कि वो चोर था। आप अंदाजा लगाइए कि ये जो फैक्ट्स ऑफ हिस्ट्री है उसको नहीं हम सामने रख सकते। आप किसी से पूछ लीजिए कि किसने रसूलुल्लाह की औलादों को किसने कत्ल किया था, वो उनका मुंह सुमन बुकमन उम्मीद हो जाता है एकदम, पता नहीं हमें क्या क्या ऐसी बातें मत करा करो। अरे क्या बात कर रहे भाई, अपने पैगंबर की औलादें मार देते हो और वो जाके मक्का तोड़ देते हो, किबला गायब कर देते हो, वो पत्थर लेके बहरैन भाग गया एक आदमी 18 साल, क्या अस्वद क्या कहते हैं उसे, तंगे अस्वद, वो नहीं मिल रहा लेके चला गया एक आदमी, मैं नहीं दूंगा वापस, उसको वापस ले गया भैया, या खाली जगह रह गई, इसमें डाल दे जान चोट। तो एक तारीख है जिसमें वायलेंस का हमें डिनंसिएशन नहीं हम हुआ, हमने किसी के स्लेव्स को पकड़ना, लॉन्डियो को पकड़ना, कत्लेआम करना, कि कभी हमारे माँ बाप ने या मौलानाओं ने या सोचने वालों ने ये कहा ही नहीं कि ये काम नहीं होता, वायलेंस इज नॉट द आंसर, गुस्से में आपका जहन नहीं चलता है ठीक, धुंधला जाता है, योर डिसीशंस आर रॉन्ग, यू हैव टू बी विदाउट एंगर टू सॉल्व। और कौन सी बड़ी बात है भाई, आप जिस मजहब को फॉलो करते हैं उसमें हजार ऐसी बातें हैं जो आप यू कैन प्रेजेंट एज द ग्रेटनेस ऑफ दैट रिलीजन। एक ऐसी जगह से 100 साल के अंदर इस्लाम फैल गया स्पेन से इंडिया तक, तो कुछ तो होगा उसमें, कोई तो प्रॉफिट मोहम्मद की बात होगी जिसने लोगों को उजागर कर दिया, कैसे कैसे फिलोसोफर पैदा हुए, बात ही नहीं कर सकते, बस चुप करके बैठे रहो खामोश एकदम, ना बात कर सकते ना ही सवाल कर सकते हैं, लेकिन सर इसी वजह से हम जाहिल रहते हैं, हम पूछेंगे अपने अब्बा अम्मा से ना कि क्या है, तो बताइए कौन है, कैसे हुआ, बच्चे को पिटाई हो जाती है, वो फिर नाना दादा के पास भागता है, वो अपने बच्चों को से नहीं प्यार करते थे, अपने बच्चों के बच्चों से प्यार जरूर करते हैं। वो हमारे तो कहा जाता है ना असल से ज्यादा सूद प्यारा होता है, हाँ। तो कुछ ये मिसालें दी जाती है ना, तो वी हैव अ वेरी टफ रोड टू क्लाइम। सलमान रुश्दी के ऊपर चाकू चलना तो छोड़िए, बेतहाशा लोगों को मार दिया गया उनकी सोच की वजह से, कैसे कैसे को फांसियां दी गई पाकिस्तान में, 10-10 लाख लोग बांग्लादेश में मारे गए, अहमदियों के साथ क्या हुआ, शियों के साथ क्या, हमारे दोस्त जो शिया डॉक्टर हैं वो आगे रिज्वी नहीं लिखते अपने नाम के आगे, आजकल छुपा देते हैं कि कोई डॉक्टर साहब के पता ना चल जाए कि शिया हैं, अहमद लिख दिया, बताइए जब आप हिजबी और नकवी ना लिख सके अपने नाम के आगे खौफ से, कैसा पाकिस्तान बनाया है, शिया ने बनाया, तुम मौत के घर में बैठे हो, जिना साहब हमारे जाने वाले तो लिख लेते हैं, बहादुर हैं हम लोग तो लिखते हैं। नहीं, आप कराची में नहीं रहती ना? अच्छा कराची में नहीं होता? हाँ कराची में आजकल सुना है चुपके रहना पड़ता। लेकिन सर अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तकरीबन 75 साल होने को हैं और उसके 2 दिन बाद जो है वो 14 अगस्त, तो क्या कहेंगे आप, किस तरह से आपने देखा ये 75 साल कैसे गुजरे पाकिस्तान के? जाया हो गए, जाया हो। आप सोचिए जिस दिन ये मुल्क बना तो इसके बॉर्डर ईरान, चीन, हिंदुस्तान, खलीज, बर्मा, हिंदुस्तान, कैन यू इमेजिन, इतना वाइड स्प्रेड कंट्री, इसके बॉर्डर्स किस किस से मिल रहे हैं, एट द क्रॉस रोड्स ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, दरियाए सिंध पे बना, ये जाहिलों को ये नहीं पता था सिंध है क्या,
इंडिया ने ऐसे अपने नेशनल एंथम में सिंध नहीं रखा हुआ, ये सिंध ही से तो सारा हमारा ऊपर नीचे जोड़ है पूरी इंसानी तारीख में, दरियाए सिंध ही है ना, वहां से निकलता है कहाँ, हिंदुस्तान से चीन से गुजरते हुए NWFP पंजाब सिंध लेके डेल्टा में जाता है। हमारे यहाँ तो ये भी तसव्वुर नहीं है कि जाके दरिया जहाँ ख़त्म होता है वहाँ जाके कुछ देखा जाए। दुनिया की हर सिविलाइजेशन डेल्टा में होती है, हमारी सिविलाइजेशन है ट्रिब्यूटरीज में। ये यूनिक चीज़ है। आप रियो ग्रांड को देखिए, आप ब्राज़ील के दरियाओं को देखिए, नील को देखिए, उनकी जो डेल्टा होती वहाँ बनती है सिविलाइजेशन। हमारे यहाँ जहाँ डेल्टा है वहाँ मच्छेरा तक नहीं नजर आता, मच्छर भी नहीं नजर आता, किसी को पता ही नहीं है कि सिंध दरिया जाता कहाँ है। नो हमें मनोड़ा का भी नहीं पता, कुछ नहीं। सो वी लॉस्ट एवरीथिंग। हमने अपनी जबानों पे पाबंदी लगाई, पंजाबी पे और बंगाली पे, वो स्टार्टिंग ही गलत हो गई, उसमें चोरों का हो गया। फिर आप सोचिए कि याकूत अली खान साहब की जब प्राइम मिनिस्टरशिप थी, उनके बाद ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आप ले आइए तो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन सकता। जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसके पहले आपने जिना साहब और लियाकत अली खान की तो वफात हो गई, उन्होंने कहा खुली छुट्टी, अब लूटो मिलके। तो ख्वाजा नाजमुद्दीन और ये सब लोग कायदे मिल्लत कहते थे ना लियाकत अली खान को, इनको नाजमुद्दीन को कायदे किल्लत कहते थे। भूखना हो गई, विद इन 2-3 years देयर वाज स्टारवेशन, खेती बाड़ी नहीं हो रही, मैनेजमेंट ही लूट मार कराची में, मिनिस्ट्रियों के अंदर इधर उधर। सो दे लॉस्ट एवरीथिंग एंड दे कुडंट बिल्ड ऑन। और जब हम बचपने में, जो हमारे हिंदुस्तान से रिश्तेदार कभी अब जानने वाले मेरे फादर कहते थे, वो कराची को देख के उनकी आंखें ऐसे खुल जाती थी, गाड़ियां, ये बड़ी जो पुरानी अमेरिकन कार्स है ना, इसको हम कराची में बड़ी टैक्सी कहते थे, शेवले और इम्पाला, ये मेंढक की तरह साइज की बड़ी बड़ी गाड़ियां थी, ये कैंट स्टेशन पे होती थी, घोड़ा गाड़ियां थी। इट वॉज सच अ ब्यूटिफुल सिटी अर्जु, यू कैन नॉट इमेजिन, यू कैन नॉट बिलीव कि घोड़ा गाड़ियां आती थी, उनके घोड़ों के लिए अलग होता था पानी पीने की जगह, कौन भरता था कौन लेके जाता था, पब्लिक टॉयलेट्स थे। अब यकीन नहीं करेगा, हर पब्लिक पार्क में 7-8 ऐसे येलो किस्म की बिल्डिंग होती थी, वो पब्लिक टॉयलेट थे। और वो सब खत्म हो के आप देख लीजिए अब की हालत क्या है, क्योंकि विजन नहीं, कोई सोचना ही नहीं चाहता आगे की। वो कह रहा है कि पैसे कितना मैं बनाऊं, करप्शन टू द लेवल दैट यू विल नॉट बिलीव। जब तक आपके शहर में एंग्लो इंडियन रहते थे, अंग्रेज भी था कराची में, इट वॉज द कैपिटल फ्रॉम वेरी मॉडर्न सिटी, अल्फिंसन स्ट्रीट और विक्टोरिया रोड जिसे हम कहते थे, लोग इवनिंग को अच्छी खासी फैमिलीज वॉक पे जाती थी, यानी यू वुड गो फ्रॉम रीगल सिनेमा एंड गो अप ऑल द वे अल्फिंसन स्ट्रीट, फिर वो जो होटल मेट्रोपोल था वहाँ पे घूम के फिर वापस आते थे। एंड दिस आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ वेरी पुअर और वेरी रिच, दिस वॉज द मिडिल क्लास, कि क्लिफ्टन जा रहे हैं भाई घोड़ा गाड़ी में बैठ के, वो अलग था, ओल्ड क्लिफ्टन अलग था, फिर वो उनका मज़ार था जो वो हैं जो पहले यहाँ लैंड की, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, खैर जाने दे। इतना सिविलाइज्ड मुल्क मैंने नहीं देखा। आप बताइए ज़ोरास्ट्रियन, वहीं दाऊदी बोरा, वहीं मलाबारी चाय मिलती थी, मलयाली बैठते थे, उसी में मेमन, गुजराती, ये बलोच, सिंधी, इट वॉज पैराडाइज। पान की पी के थूक थूक के, उर्दू बोल बोल के, मुशायरे करा करा के बेड़ा गर्क कर दिया। 90 हो गया, क्या है 90, कौन सा घर था अल्ताफ हुसैन का, MQM वाला 90 बताइए, वो बना दिया महाजनों का शेर, मुक्का चौक। हाँ मुक्का चौक बताइए। अरे मैं आपको बताऊं, अय्यूब खान के जमाने तक ये रियो सिनेमा के सामने वो बना फाउंटेन स्क्वेयर, जहां एक वो था हार्प थी और एक सितार पड़ा हुआ था, उसमें जो फुवारा था उसमें म्यूजिक चलती थी। नाजमाबाद की पहली चौरंगी पे, यू विल नॉट बिलीव इट, एक गार्डन था पहाड़ जैसा बना, उसमें एक दरिया नीचे बहता था और उसके अंदर से म्यूजिक निकलती थी। शाम को लोग जाके वहां बैठ के, फैमिली बैठ जाती थी टिफिन विफिन लेके,
अभी तो आप घुस नहीं सकते वहां, खैर मैं तो गया ही भी 20 साल। और एक में कल देख रही थी सर, न्यूज आ रही थी, उसमें लिख रहे थे कि पता नहीं मच्छर कॉलोनी में ये हो गया। मैंने कही मच्छर कॉलोनी क्या नाम है? ये है जहाँ लोग जो पुल होते हैं ना उनके नीचे रहते हैं, एंड वहां फिर स्टैग्नेंट वाटर में मच्छर। मैंने बड़ी डरावनी जगहें भी देखी। व्हेन आई वाज इन रिपोर्टर इन पीटीवी कराची, मैंने कराची की जो जहाँ गुर्बत भी इंतहा गुर्बत जहाँ आप सोच सकते हैं, मैंने उन पर डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। वो चल नहीं सकी क्योंकि कुछ लोग नाराज हो गए कि आपको बुराई नजर आती पाकिस्तान में। अरे भैया बुराई नजर आती, ये सच्चाई है। लियारी के नीचे, नाजमाबाद के पुल के नीचे जो लोग रहते थे, आप यू कैन नॉट इमेजिन, ऊपर से लोग जाते, नीचे का पता नहीं था क्या हो रहा, कैसी कैसी झुग्गी में कौन कौन पीएचडी करके निकला है, मुझे ये भी पता है। बड़ी मेहनत से लोगों ने किया है, लेकिन लीडरशिप जो थी उनको ये था कि वो कादियानियों पे पाबंदी लगाई जाए, जो 53 में राइटिंग हुई और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, उस कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं बन पाए। 56 का कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उसमें इलेक्शन होना था, तो अयूब खान साहब आ गए भुट्टो साहब को बेटा बना के। 59 में पूरे मुल्क में इलेक्शन होना था, वो 1970 में जाके हुआ। आप सोचिए, मुझे बताइए कि हमारा पूरा बचपना गुजर गया इस चक्कर में कि इलेक्शन कब होगा। तो अयूब खान आ गए 1959 जनवरी में, इलेक्शन होना था क्योंकि बंगाल में सिर्फ सर्दी में वोट पड़ सकते हैं, विंटर होता है तो ताकि बारिशें ना हो, तूफान ना हो, ये सब ना हो, दे डिडंट अलाउ। क्योंकि उससे 2 साल पहले ईस्ट पाकिस्तान में इलेक्शन हुआ, मुस्लिम लीग को कुल 300 सीटों में से 2 सीटें मिली। ये तो डर के मर गए, ये क्या हुआ भाई। ये जो अवामी लीग थी ना, इससे फिर हटके नेशनल अवामी पार्टी बनी और पाकिस्तान अवामी लीग बनी। ये दोनों एक 1950s में एक जमात होती थी मौलाना बाशानी के तहत। इट वॉज द बिगेस्ट पार्टी इन पाकिस्तान। एंड दिसंबर ये समर ऑफ 1958 में टाइम मैगजीन का आर्टिकल था कि पाकिस्तान का नेक्स्ट जो प्राइम मिनिस्टर होगा वो नेशनल अवामी पार्टी का होगा। ये सब आप कभी किसी पाकिस्तान की हिस्ट्री बुक में नहीं पढ़ पाएंगे। मेरे सब बावला साइकिल पे जाके अमेरिकन वो जो कल्चरल सेंटर होता है ना जी, USIS जिसे कहते थे, वहां जाके मैं पढ़ता था। ये इंडिया के पेपर भी आते थे वहां पे, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, दो दो तीन तीन दिन बाद आता था। इट वॉज प्रिडिक्टेड। और उससे पहले वो अयूब खान साहब आ गए, तो कितना बड़ा धचका लगा कि इलेक्शन होने वाला कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, कॉन्स्टिट्यूशन गेट्स एब्रोगेटेड। फिर 62 में कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, वो एब्रोगेट होता है 1973 में। 62 का तहत इलेक्शन हुआ, उसमें फातिमा जिन्ना को हरवा दिया। बेसिक डेमोक्रेसी का इलेक्शन था। नन ऑफ दिस आई एम श्योर विल यू एट योर एज ग्रुप विल बी एजुकेटेड इन दिस। दे विल नेवर फाइंड आउट के फिरोज खान नून किसका प्राइम मिनिस्टर था, पता ही नहीं है किसी को। मोहम्मद अली चौधरी, मोहम्मद अली, ये दो नाम में से कोई, मैंने यहाँ हर एक से ट्राई किया जो मेरे एज ग्रुप के, उनको नहीं पता किया मैं क्या कह रहा हूँ। दोनों मोहम्मद अली थे, एक चौधरी मोहम्मद अली थे, एक मोहम्मद अली बोगरा थे, एक पंजाबी था, एक बंगाली था, फर्क नहीं पता किसी। एंड बोथ वर वेरी गुड प्राइम मिनिस्टर्स बट दे वर टॉपल्ड क्योंकि दे वर प्रोफेशनल्स and they wanted to change the situation. The Pakistan ki 75 year history is a story of lost opportunities. लेकिन साथ साथ ये भी है सर के 75 years में पाकिस्तान जो है वो चाहे इकोनॉमी हो उसमें भी कुछ नहीं कर पाया, खराब से खराब तर होती गई, लेकिन साथ साथ एजुकेशन में भी, एजुकेशन का लेवल में वो नहीं कह रही कि जो डिग्रीज होती है, यानी जो सोच होती है, एक आईक्यू लेवल होता है, एक समझने का वो नहीं है लोगों को। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। हम एल्फिंसिस विक्टोरिया रोड की मैंने बात की, आप विक्टोरिया रोड पे जाती थी तो आपको 1, 2, 3 मेजर बुक स्टोर थे, जिसमें एक पाक अमेरिकन था, एक उसके सामने सर्कुलर एक ऐसा था जहां किताबें बिकती थी, उससे पहले भी था। मैं लास्ट जब गया हूँ, मेरे ख्याल 1996 में आई वेंट टू पाकिस्तान, देयर वाज नथिंग लाइक दैट। जो पाक अमेरिकन में था उसमें
मच्छी एक्वेरियम के वो बिक रहे थे। अच्छा, लाहौर में इसी तरह माल रोड पे देयर वर एट लीस्ट 4-5 मेजर बुक स्टोर्स। आप किसी बुक स्टोर में जाती थी, आपको लाइन लग जाती थी, लोग किताबें खरीद रहे होते थे। सेकेंड हैंड बुक्स अलग बिकती थी, वो फुटपाथ पे जो होती हैं। जब आपके मुल्क में किताबें वजन से बिकने लग जाएं और आंटियां जाके पर्दे और किताबों को मैच करें कि ज़रा सेटिंग ऐसी कर देना मियां, ज़रा ये लाल पर्दों के साथ हरी किताबें ठीक नहीं जा रही, देन यू आर डेड, देन यू आर लॉस्ट। कम अज कम उस जमाने में रजिया सुल्तान के नावल तो पढ़े जाते थे ना किसी जमाने में। मैं सर आपको बताऊं, मैं अभी थोड़ी देर पहले आपके शो से कुछ देर पहले मैं डिनर पे गई थी कुछ दोस्तों के साथ, और मार्केट काफी बड़ी मार्केट है जहाँ पे वो रेस्टोरेंट था, और मुझे वहां कोई बुक शॉप नहीं नजर आई। मैं किसी बुक शॉप में जाना चाह रही थी डिनर के बाद, उन्होंने कहा यहाँ नहीं है, बहुत आगे जाके शायद वहां पर है, वो भी शायद कन्फर्म नहीं थे। तो बगैर पढ़े हुए जिस मजहब का पहला वर्ड इकरा है, वहां 90% लोग किताब ना पढ़ते हो। 1400 साल इस्लाम के बाद तू पढ़ना ना जानता हो, बोले तो इसमें क्या रखा है यार, ये क्या क्या से तुम्हें ये चार चार जिल्द की किताबें ला के दे देते हो। अरे भाई किसी जमान में तुम बोलो मैं तुम्हें दूंगा, रैशनल थिंकिंग और क्रिटिकल थॉट का पढ़ना और उस क्या है क्या चीज, उसके तो पहली किताब होती चाहिए। अलिफ लाम मीम है वो अपने इल्म का, कि समझो तो सही कि सोच क्या होती, बगैर सोचे रट्टे लगा रहे हैं बच्चे, कुरान के हाफिज हैं पता नहीं लिखा क्या उसमें, ये कैसे हो सकता है, तो मुमकिन ही नहीं है ना। हम पे कम से कम इतनी जिम्मेदारी है कि अगर हम कहते हैं ये अल्लाह की किताब है तो उसको 10 जगह से देखना चाहिए कि इसकी कलेक्शन कैसी है, इसमें इस लफ्ज का माने यहाँ है, यहाँ क्या है, ये कौन सा एडिशन है, ये बर्मिंगम से आया है, ये यमन से आया है, पहला कुरान कहाँ गया, हज़रत उस्मान ने कुरान जो जलाए वो कहाँ थे, ये सारा इट इज नॉट बी, इसको समझते हैं एंटी मुस्लिम। अब जितना ज्यादा इस्लाम का एक इंडिपेंडेंट क्रिटिकल थिंकिंग करें कि इतने सुस्त लोग जो अरब थे वो 100 साल में कैसे स्पेन और हिंदुस्तान तक फैले हुए थे, ये सोच के आएगी। कोई फॉर्मूला तो नहीं था कि बी कॉम्प्लेक्स लिया करें शाम को और सुबह ए एन ई लें तो जनाब आप माशाल्लाह दिल्ली पे काबिज हो जाएंगे, ये तो नहीं था। भाई क्या सोच थी जिससे हमको समझ में आया कि पर्शियन एम्पायर को खत्म कर दिया, इजिप्शियन एम्पायर खत्म हो गया। नोबडी, मैं अब तक ढूंढ रहा हूं, आप यकीन करिए मैं फातिमाई डायनेस्टी की किताब ढूंढ ढूंढ के थक गया हूं, मुझे नहीं मिल रही है कि फातिमाइन जो थे जो भाग के हिंदुस्तान आए उनको सलाउद्दीन अयूबी ने कैसे उनको बर्बाद किया। लेकिन क्योंकि वो सलाउद्दीन हीरो हैं तो फातिमाइन को हटा दिया चैप्टर से। आप पाकिस्तान में वैसे कभी मिल जाए किताब तो मुझे बताइएगा किसी जबान में भी हो कि ये जो फातिमाइन अल अजहर यूनिवर्सिटी फातिमा उज़हरा के नाम पे, उसे कह रहे हैं सुन्नी लर्निंग इंस्टीट्यूट, वो इट इज द प्राइम सेंटर ऑफ सुन्नी। अरे भाई तो बनाया शिया ने, तुमने कहां से कब्जा कर लिया। बोला वो तो आए थे ना सलाउद्दीन अंकल, उन्हें ऐसी फिटाई की शियों की भागे सारे हिंदुस्तान। देयर इज नो, आप कहीं किसी से पूछिए कि ये कब हुआ, दे विल से क्या बात कर रही हो। सो वी डोंट नो आवर हिस्ट्री, हर किताब की हिस्ट्री होती है, हर बॉर्डर की हिस्ट्री होती है, हमें पता तो होना चाहिए कि मुनाबा उधर है तो इधर जिसको हम वो कहते हैं उमरकोट वो क्यों था पहले अमरकोट, और वहां अकबर क्या कर रहा था जो पैदा हुआ वहां पे, कितनी चीजें हैं सबको पता ही नहीं। आपको पता है 1971 तक वो पूरा उमरकोट का जो या अमरकोट का इलाका है वहां मोर हजारों के हिसाब से मोर थे, ये पाकिस्तानी फौजी जो वहां स्टेशन थे इन्होंने खा गए सब। देर इज नॉट वन पीकॉक इन दैट लैंड, जहां का निशान है पीकॉक। और अमरकोट वॉज दी ओनली हिंदू मेजोरिटी सिटी इन पाकिस्तान, उसको उमरकोट कर दिया और वो मार मार के हिंदुओं को निकाला हमने बॉर्डर टाप के जाओ भैया। सो वी हैव मेनी सिंस ऑफ अवर पेरेंट्स,
दैट वी नीड टू अनडू। अपने किरदार से हम हर चीज अच्छी हो सकती है लेकिन नियत ही ना हो, यू नो बात नहीं करेंगे। मैं अक्सर आता हूँ ये ट्विटर की स्पेसेस पे, बीच उसमें आके कोई माँ बहन की गाली दे के चला जाता और इतना खुश होते हैं वो, इतना हंसते हैं मेरी बेटी को गाली दे के। सर कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, उनका उन्हीं के ऊपर बात कर रहे हैं। मैं उनकी बात सोच रहा हूँ कि उनके जहन में क्या होता होगा कि मेरी माँ या मेरी बेटी को गाली दे के व्हाट डू यू गेट आउट ऑफ इट। और ये बहुत पाकिस्तानी करते हैं, बहुत खाम खा, और औरतों के पीछे तो ऐसे पड़ते हैं गीदड़ों की तरह खुदा के साथ। वो इनके लिए सही वही है, वो क्या नाम है बच्ची मुझे जो तो मुझे तो मेरी पेरेंट्स तक को बुरा भला कहते हैं जो कि अब है ही नहीं दुनिया में, उन तक को नहीं छोड़ते, तो बस बोलते रहे फिर क्या किया जा सकता है। वो महली सरकारी जो है ना वो इनके लिए ठीक है, वो भी क्या फीमेल प्रॉफिट कहती है अपने आप को हमारे चैनल पे। एक बार आई थी मेरे पास भी चैनल पे, लेकिन सर साथ साथ एजुकेशन का जो लेवल गिरा है पाकिस्तान में, जिस तरह से पहले बहुत अच्छा हुआ करता था, बल्कि मेरी मदर कहा करती थी मेरे नाना के लिए कि उनके टाइम पे यानी अगर किसी ने मैट्रिक किया होता था तो उसकी नॉलेज जितनी होती थी जितनी आज मास्टर्स की होती है। लेकिन इसी तरह से सर जर्नलिज्म के भी बहुत स्टैंडर्ड्स गिरे हैं। अब ऐसे ऐसे लोग उठकर पाकिस्तान में कहते हैं कि जी हमने बुक लिखी है, कि उनको देख के मैं कहती हूँ मैं लाइफ में कुछ भी करूंगी बुक नहीं लिखूंगी अगर इन्होंने भी बुक लिख दी है तो। मसला ये है कि self publishing is a phenomena that is very common in Pakistan. और मैंने जो कनाडा से लोग जाके यहाँ से मुसन्निफ बन के आते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो 500-600 किताबें बांटते हैं। इस पे निसार क्या नाम है उनका, उन्होंने भी हसन निसार ने जिक्र किया था, फॉर्मूला बताया था कि 500 छाप के 150 तो आप रख दें रिश्तेदारों के लिए, इतने आप रख दें 50 रख दें जो किताबें बिकेंगी नहीं वो दुकानों में सामने लगी रहें, और फिर आप थैला लेके चलें और कहें जी मैंने ये किताब लिखी है आपके लिए खास तौर साइन करके खुद दें। हर मुसन्निफ जो यहाँ रहता है ना, जो उर्दू में पाकिस्तान से किताब लगाता है, वो अपनी किताब खुद लेके जाता है देने के लिए। ये कभी आप सोच नहीं सकती कि कोई ऑथर, ही इज अ राइटर, ही इज एन ऑथर, वो थोड़ी जाएगा, ही इज नॉट अ डिस्ट्रीब्यूटर। मैं तो ऐसे लोगों को भी जानती हूँ जिनको इंग्लिश में पूरी ABCD और उर्दू में अलिफ़ बे नहीं आती, उन्होंने भी बुक लिखी हुई है। गोस्ट राइटिंग भी हो जाती है, वो भी बहुत ज्यादा होती है। मैं कहता हूँ करने दो, कुछ तो छपे, कोई तो पढ़े, किसी और का पढ़ने की बर्दाश्त ये करें कि इंसल्ट ना हो जाए ना आपको। यहाँ तो ये होता ये क्या लिख दिया इसने, इससे अच्छा तो मैं लिख देता। अरे भाई तू लिख लेता तो तू लिख दे, मेरी जान को क्यों आ रहा है कि मैं ये मैं क्या लिख दिया आपने। लेकिन सर ये एजुकेशन का लेवल क्यों कम हो गया पाकिस्तान में, कम से कम पढ़े लिखे तो बहुत हुआ करते थे, बहुत होते नहीं थे। आपने जब पंजाबी जबान पंजाबियों पे पंजाबियों ने खुद बैन कर दी, तो आपका 70% पॉपुलेशन तो जाहिल खुद बाय चॉइस हुआ कि हमारी मादरी जबान उर्दू है ना, पाकिस्तान में है ना हिंदुस्तान में है, उर्दू क्यों बोल रहे हो तुम, तुम्हारी जबान ही नहीं है वो। दे आर द ओनली पीपल ऑन अर्थ हु आर 100% इलिटरेट इन देयर मदर टंग। आप कह रहे हैं एजुकेशन स्टैंडर्ड गिर गया, यूनेस्को कहती है कि प्राइमरी एजुकेशन शुड बी इन द मदर टंग। पाकिस्तान में कोई पंजाबी अपने बच्चों से बात नहीं करता, स्कूल टीचर क्या करेगा? अगर माँ बाप को पता चल जाए ना कि स्कूल के अंदर टीचर ने पंजाबी में बात की, तो वो स्कूल के मालिक को जाके टीचर को फायर करवा देगा। मैं इतनी फीस देना तो वो पंजाबी च एजुकेशन दे रहे हैं। दे डोंट रिस्पेक्ट देयर मदर टंग। ऐसे लोगों की कोई इज्जत नहीं करता, वो POW कैंप में अच्छे लगते हैं नहीं। इतना ज्यादा मतलब मुझे अगर इंडिया की किसी बात पे बहुत रश्क आता है कुछ चीजों में, उसमें एक उनका एजुकेशन लेवल है। आप इवन अगर आप डिबेट में चले जाएं इंडियन टीवी पे, तो आप साफ देखेंगे कि पाकिस्तानी पैनलिस्ट को कुछ नहीं आता होगा,
और इंडियन पैनलिस्ट पूरा पढ़ के आए होते हैं। यहाँ तक एक बार कोई सबमरीन इंडियन आ गई थी इस तरफ, या हाँ। इंडियन या नहीं थी वो मुझे नहीं पता, बहरहाल इन्होंने क्लेम किया पाकिस्तान ने कि इंडियन सबमरीन है। तो उधर से इंडियन पैनलिस्ट ने पूछा आपको कैसे पता कि वो इंडियन सबमरीन, कहते जी वो क्योंकि भाग गए उससे हमें लगा कि वो इंडियन सबमरीन। आप देखिए कि उन्हों वहां 400 जबाने जिसमें कोई 20 तो ऐसी हैं जो डोमिनेट हैं, हंड्रेड्स ऑफ मिलियन बोल रहे हैं, मराठी है, मलाबारी है या तमिल है, आप सोचिए बंगाली, पंजाबी, हिंदी, भोजपुरी, यू हैव 20+ लैंग्वेजेस जिसमें कोई किसी का मजाक नहीं उड़ाता। आप दिल्ली में जाएं हर कोई हिंदी अपने एक्सेंट में बोल रहा है, आपको दो लोग नहीं मिलेंगे जो एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे हैं। हमारे यहाँ यही होता है, अह नहीं कहते, हाँ कहते हैं, हाँ नहीं कहते, खूब कहते हैं। अरे भैया जान छोड़ो दिल्ली वालों, तुम्हारे वो हैदराबाद वाले का मजाक उड़ा रहे हैं वो तो यही कहते हैं। हम नाजमाबाद नंबर दो में पला बड़ा हूं, हर तीसरे घर में अलग उर्दू चल रही थी। अरे हैदराबाद का इसको क्या पता, अरे वो तो लखनऊ वाले हैं, इनको क्या दिल्ली वाला आ रही है, तो बदतमीज लोग होते हैं दिल्ली वाले। मैं ऐसे पंजाबी समझ नहीं आता था, सबके सब एक ही ट्रेन में आए हो यहाँ। इतनी अच्छी जगह थी नाजमाबाद, आई रियली मिस दैट प्लेस। मिडिल क्लास लोग सब हैं, हर एक की उर्दू अलग, हर एक मजाक उड़ा रहा है हर एक का, और कहीं मेहमान या गुजराती बोलने वाला फंस गया वो तो खत्म। वो तो टींडे वाला लसन ले लो, प्याज ले लो, ठेले वाला भी मजाक उड़ा रहा है, साहब इनकी देखिए इनको उर्दू नहीं आती, गुजराती में खरीद रहे हमसे, टींडे ले रहे गुजराती में। अबे तू घंटी बजा ठेले में बेचा, उसकी जबान है गुजराती, वो गुजराती में क्यों नहीं बोलेगा? आप पढ़े लिखे नहीं होते, आपको तो पता पैसा आ जाता है गुजराती में, पढ़े लिखे नहीं होते। हाँ तू बहुत पढ़ा, नीचे घंटी लगाए टन टन चल रहा है, टींडे ले लो, मटर ले लो। वी डिसरिस्पेक्ट ईच अदर्स डिफरेंसेस, हमारे लहजे, हमारे कल्चर, किसी को सवैयां अच्छी लगती हैं, किसी को 10 ग्लास लस्सी भी पूरे नहीं होते, जले लस्सी में जले। अब जो निहारी आई दिल्ली से, ये तो सुबह का नाश्ता था ना, निहार मुंह खाने को निहारी कहते हैं ना, यहाँ जैसा है उनमें मगज और पता नहीं क्या क्या हड्डियां डाल के डिनर बना दिया। पठानों, पंजाबियों और सिंधियों और बलोचों के हाथ लग गई निहारी और डिनर बन गया। आप सोच भी नहीं सकते, हमने 50s में नाश्ते में खाई दिल्ली वालों के घर में निहारी, ऐसी पतली होती थी, बारीक सी होती थी, प्याले लगा के पी जाए। वो बाद में बड़े होते होते तक पंजाबियों और पठानों और सिंधियों ने ऐसा बनाया, रिक्शे वालों ने और ऊंट गाड़ी वालों ने, कि शो उसके अंदर मगज भी होता था, ये भी डाल दो मियाँ इतना, ये भी डाल दो। निहारी बिकेम लाइक अ सॉलिड डिनर फूड। अब तो दावतें होती निहारी, और निहारी और पाए की दावतें, और पाए भी रात से चढ़ जाते हैं, पाए रात से चढ़े होते हैं, ओ उबल उबल के ना चढ़े होते हैं देखिए। अभी सर्दी आएगी, पाए की दावतें शुरू हो जाएगी। बट पॉइंट इज वी वर वेरी हार्श ऑन ईच अदर व्हेन पाकिस्तान वाज क्रिएटेड। इसमें बहुत बड़ा आपके वालदैन या उनके माँ बाप जो उर्दू बोलने वाले आए, उन्होंने बड़ी हिकारत से पाकिस्तानियों को देखा, चाहे वो बांग्लादेश में अब भी बैठे में मीरपुर, मोहम्मदपुर में, या कराची, या आपके लतीफाबाद और इस टाइप के शहरों में। सिंधियों का मजाक उड़ाना, बलोचों का, मेमनों का, गुजरातियों का, इट वाज रेगुलर प्रैक्टिस के मजाक उड़ाए, गोंस का। अच्छा जोरास्ट्रियन से डरते थे क्योंकि वो तो पैसे वाली पार्टी थी, तो पारसियों से हमेशा आराम से बात करता था माजे, केम छे बोल देता था, मजा मैं सारो डिकड़ो पंचे। जो मुसलमान गुजराती बोल रहा है उसको कहे तुक्के क्या, जो पारसी बोल रहा है काबिज जी, ओ क्या बात करते हैं साहब काबिज जी का, माशाल्लाह। वैसे वाकई में काबिज जी की क्या बात थी, पैसे की वजह से नहीं, वैसे भी जो बात वो किया करते थे नहीं, हर चीज में। वो कराची की इलीट, आप सोचिए कराची में कमेंटेटर वो जो थे जमशेद मार्कर, उमर कुरैशी, आपको तो नहीं याद होगा, आता था हियर इज द कमेंट्री बाय उमर कुरैशी एंड जमशेद मार्कर, लोगों की वो सांस रुक जाता था क्रिकेट पे, नशे की तरह होता था। उमर कुरैशी साहब
हमारे कॉलमनिस्ट थे सन में, तो मैं उनसे वीकली कॉलम उनका लेने जाया करता था अपनी फटपटी पे. ही यूज्ड टू स्पेल कुरैशी इन हिज ओन वे एंड इतने सुलझे हुए पढ़े लिखे लोग. जमशेद मार्केट क्वेटा से थे, ही वॉज ऑल्सो ज़ोरास्ट्रियन, पता नहीं कहाँ होंगे. बट आई मेट पीपल जिनके पास बैठ के यू कुड लर्न. मैं व्हेन आई वाज 15-16 एक जगह थी सोशलिस्ट फोरम, वहाँ एक बिहारी साहब थे हादी नकवी, एक मलयाली बीएम कुट्टी लेबर लीडर थे, पीपल वुड कम. फैज साहब भी अक्सर वहाँ मैंने उनको देखा बैठ के. ऐसी गुफ्तगू होती थी कि 10-12 टीनेजर्स तो बैठे ही होते थे कि ये क्या कह रहे हैं. कोई सेकेंड वर्ल्ड वॉर का बता रहा है, कोई पार्टीशन का बता रहा है, कोई ग्रीक फिलॉसफी की बात कर रहा है. हमें स्कूलों में ज़्यादा ये सियासी महफलों में तनकीदी नशस्तों में इसमें मिलता था. आई होप ऐसा होता हो, बट मुझे जो प्रोडक्ट आ रहा है उससे नहीं लगता. उनको जी मैट क्लियर करना होता है, एल सैट और पता नहीं कौन कौन सा एग्जाम, ESL और ये सब में लगे हुए हैं सब. अच्छा, हिस्ट्री पढ़ने में भी इंटरेस्ट है. बहुत से लोग जो हैं, जो यंगस्टर्स हैं या दूसरे लोग हैं, वो बेशक उस जमाने में ना हो लेकिन कम से कम हिस्ट्री अवेलेबल है, उस पे चले जाएं, इंटरनेट पे चले जाएं, पढ़ें तो सही. मैं आपको एक वो आइडिया देता हूँ कि इफ यू मीट समवन हु यू वांट टू रीड, उनको कहीं के वॉर स्टोरीज पढ़ें, क्योंकि वॉर स्टोरी के अंदर यू वांट टू फाइंड के एंड में हुआ क्या. जैसे नेपोलियन वॉर्स है या सेकेंड वर्ल्ड वॉर के 6 वॉल्यूम की हिस्ट्री है विंसेंट चर्चिल की, रशिया एट वॉर एक अलेक्जेंडर वर्थ है जिन पूरा स्टालिनग्राड का. तो इसमें क्या होता है कि पढ़ने की आदत पड़ जाती है कि जंग में हुआ क्या एंड में, इट पुल्स यू इन एंड यू वांट टू रीड. अब ये फास्ट कम्युनिकेशन का दौर है, पीपल वांट एन इमीडिएट रिजल्ट, तो उसमें मारे जा रहे हैं और अनपढ़ रह रहे हैं. मैं अपने गली की बताऊं, 45 घर हैं इस गली में, सिर्फ 2 घरों में अखबार आता है. तो ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, ये सारी दुनिया डूब रही है बाइडेन की तरह और उसकी वो जो वाइस प्रेसिडेंट है उनकी तरह जहालत कूट कूट के भरी हुई. जब बाइडेन के अलावा चॉइस आपके पास हो ट्रंप की, तो आप बता दीजिए कि कितना क्या गुजरा जमाना. योर चॉइस इज बिटवीन एन इडियट एंड अ स्टूपिड मैन. पाकिस्तान में भी ऐसा ही है, मतलब आपके पास कोई चॉइस नहीं है, इमरान खान है या दूसरे भी ऐसे ही है. यस हाँ, क्या रहे वो तो साहब, वो जो हैं अपने क्या नाम है बेनजीर के हस्बैंड का, जरदारी साहब, जरदारी एक पे भारी, सब पे भारी, पता नहीं कैसी कैसी बातें करते हैं. उसने उसको टंगड़ी दे दी, उसने मरवा दिया उसको सिंध असेंबली में. मैं देख रहा था एक पंजाब असेंबली में औरतों की नॉमिनेटेड MPPs कह रही हैं ऐसा काट के रखा, ऐसा काट के रखा. ये औरत कह रही है इनसाइड द हाउस. मेरी भी चची थी, शी वाज द फर्स्ट सेनेटर इलेक्टेड इन पाकिस्तान गुजरात से, समिया उस्मान, शी माइट बी स्टिल अलाइव, बट वाओ, शी हैड हर होल हिस्ट्री इन द PPP फ्रॉम हर टीनेज इयर्स इन 1968 और ये सब. बट अब मैंने देखा कि वो हाउस में बैठी भी लड़कियां हैं, दे वर इन द 30s और मे बी 40s और 50s, दे वर बिहेविंग लाइक रफियंस. या तो मैं समझ नहीं पाता, मुझे आदत नहीं है पाकिस्तानी औरतों को देखते हुए चिल्लाते हुए, शायद बन गया हुई है. मे बी आता नहीं उनको चिल्लाने के लिए रखा होता है. एक आध बार कोई आई थी, उन्होंने अपनी चादर उठा के फेंक दी थी स्पीकर के ऊपर. There has to be a certain grace in politics, जिसमें पते की बात की जाए. हमें point of order सीखना पड़ा था. Robert's rules of order किताब है कि ये जो point of information है, ये point of information हो नहीं सकता कि point means information. या we as students attending political meetings, we needed to know कि होता क्या है, quorum क्या है, मीटिंग वो कैसे होती है, मिनट्स अप्रूव कैसे होते हैं. ये तो डेमोक्रेटिक सोसाइटी के अंदर सबको आना चाहिए ना. ये थोड़ी ही जलसा हो गया 5 लाख आदमी का, उधम चौकड़ी हो गई, चले गए घर सब. तो वी इसमें रह गए हम लोग. बांग्लादेश बिल्कुल, बांग्लादेश तो बहुत आगे चला गया. मुझे तो बड़ा रश्क आता है उनके ऊपर भी. लास्ट में मैं यही बताऊंगी आपको कि हमारे कोई रिलेटिव्स आए हुए थे
घर पे आज उनका बच्चा था 11-12 साल का होगा, तो वो उसका कह रहा था उसको इंडियन नेशनल एंथम सुनना था, तो मैं अच्छा उसे जो है वो यूट्यूब पे सुनाया मैंने। कहने लगा मुझे समझ नहीं आया। मैंने कहा अपना समझ आता है पहले ये बताओ। कहता नहीं अपना भी समझ नहीं आता क्योंकि वो भी लैंग्वेज कुछ एक और। फारसी में और एक हिंदी में बता कितनी ज्यादा। वो उसने कहा वो भी समझ नहीं आता, मतलब थोड़ा बहुत आता है क्योंकि जाहिर है बार बार पढ़ते हैं तो थोड़ा बहुत आ जाता है। तो नहीं मैंने बोला ये भी समझ आ मतलब जाता है। वहां आप सोचिए कि आज ये हमारा नेशनल एंथम बंगाली में होता तो कभी बांग्लादेश अलग होता। सिर्फ सोचने की बात है कि जब पाकिस्तान की 60% बंगला है और 30% पंजाबी है और नेशनल एंथम उर्दू बोलने वाला भी नहीं समझ पा रहा, और जिना साहब को ये कह दिया जाए आपके बस की बात नहीं, आप तो इंग्लिश में सुने। आप मैं आपको पॉइंट्स बताता हूं कि ये इसको इस तरह पढ़िए, जिनाज टाइम देन लियाकत अली खान एंड देन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन एंड ऑफ पाकिस्तान। जिस दिन वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आया यू डाई। जिना साहब ने भी तो 11 अगस्त की स्पीच की ना, इसी हॉल में की, सिंध में ही की ना, वो रिकॉर्डेड है, कोई ऐसा तो नहीं कि अजीब सी बात है। लियाकत अली खान का भी सारा रिकॉर्ड है, बट टू देन गो एंड क्रिएट न्यू फिलॉसफी कि ये तो मर गए तो ना गए यार, अब इनकी जान छोड़ो क्या बाबा, मत तोप पे हर साल। वैसे सर आप तो पीटीवी में भी रह चुके हैं। पीटीवी में एक जमाने में आया करता था कि बार बार 14 अगस्त से पहले या उससे इस किस्म के डेज से पहले कायद अजम ने ये फरमाया, कायद अजम ने हाँ वो फरमाया। तो यस मेरे अबू कहते थे ये वो सोचते हो कि कायद अजम ये मैंने कब फरमाया, मतलब कभी कुछ भी लिख देखिए, देते थे। कायदे आजम का आप एक फैक्ट समझिए, ही नेवर रोट एनीथिंग इन हिज लाइफ। एवरीथिंग अबाउट मिस्टर जिना इज व्हाट ही सेड। देयर इज नो रिकॉर्ड अदर देन ऑडियो टेप्स ऑफ व्हाट ही रोट। दिस इज द अनफॉर्चुनेट पार्ट के वी हमारा जो थिंकर है इकबाल, उसका गाना इज इंडियाज नेशनल सॉन्ग सारे जहां से अच्छा। जो हमारा फाउंडर है ही नेवर प्रैक्टिस्ड इस्लाम, ही नेवर रोट एनीथिंग। लियाकत अली खान नेवर लिव्ड इन पाकिस्तान। जो बनना चाहिए था प्राइम मिनिस्टर सोहरावर्दी, उसको मुल्क से मुल्क बदर कर और दिया। जो उनके बेटे थे अल्लामा इकबाल के, उन्होंने डॉक्टर जावेद इकबाल, उन्होंने कहा कि उन्होंने पूरी जिंदगी कभी सुना ही नहीं कि उनके फादर ने कोई ऐसी बात की है कि मैंने कुछ सोचा है, कोई और कंट्री का सोचा है या कुछ और पार्टीशन सोचा है। उन्होंने उन्होंने तो ये स्टेटमेंट दिया था। जो उनकी इकबाल साहब की किताब है, जो थॉट ऑफ एक है, डीप किताब है, इट इज वर्थ रीडिंग द इस्लामिक। आई विल सेंड यू अ कॉपी ऑफ हिज बुक व्हिच इज द फर्स्ट मेंशन, लव्स इस्लामिज्म का जिक्र है उसमें। ही वाज एन एजुकेट बट ही वाज कॉम्प्लेक्स। वो अपनी नानी, किसी को नहीं बताना चाहते थे कि नानी जो है वो सिख हैं और वो अमृतसर में रहती हैं, तो छुप के जाते थे मिलने। वो किसी को नहीं बताना चाहते थे कि इंप्रेस होने की क्या बात है। वो हिंदू हैं, ब्राह्मण फैमिली से उनका ताल्लुक है। वी हैव ऑल सफर्ड आइडेंटिटी क्राइसिस के जात क्या है, कहाँ से आए हैं, अशरफ ही मुसलमान हैं या अजलक हैं और पता नहीं क्या क्या। तो कैसे हम किसी और पे नुक्ताचीनी करेंगे। हरकतें देखिए, सलमान रुश्दी पे चाकू चलाने वालों को कोई ये राइट नहीं है कि वो कहें इस्लामोफोबिया हो गया। और यकीनन वो डर भी नहीं रहे होंगे जब भी उन्होंने इस किस्म की हरकत की है। नहीं, मौत का तो वो है, तमन्ना है मौत की। आपने कल जो फलस्तीन में नहीं देखा, वो माँ जो खुशियां मना रही बेटा मर गया, वो करते हैं वो मिठाई बांट रही है, बेटा मर गया, क्या उस पे गुजर रही होगी कि उसको एक्टिंग करनी पड़ रही है कैमरों के लिए। वो माँ अपने बेटे के मरने पे मिठाई ऐसे बांटेगी कैसे नहीं कर सकती है प्लीज। ना, उसको एक्टिंग करनी पड़ रही है। हमें ये बनावटी बातें करने का शौक हो जाता है। बिल्कुल, लेकिन फिर भी सर देखते हैं कि आगे ये लोग किस तरह से मुल्क को लेके जाते हैं, क्योंकि 75 साल तो जैसे आपने भी बताया और हम भी देख रहे हैं कि कहीं पाकिस्तान नहीं पहुंचा है, चाहे वो थोड़ा इकोनॉमी आसान हो, है, थोड़ा चाहे वो एजुकेशन हो। आसान है, 2-4 साल में तो मैं भी मेरे टुनों के खत्म हो जाऊंगा। जिस दिन ये अपनी जबानों की इज्जत करेंगे, उस दिन अपनी ये माओ की करेंगे, अपनी
तहजीब की इज्जत करेंगे उस दिन ये नहीं समझेंगे कि पंजाबी होना या सिंधी होना कोई घटिया चीज है या पठान किसी का होना वो पागल लोग नहीं है। आप मैं मेरा पूरा बचपना गया है पठानों को इस तरह देखते हुए जैसे कोई स्टूपिड लोग हैं, तमाशा करके क्यों करके हम मजाक उड़ा देते थे, कोई हमको ऑब्जेक्ट नहीं करता था, हर पुलिस वाले को हम समझते थे पठान है, वो पता चले पंजाबी निकलता था। तो वी वर मेड टू लाफ एट अदर पीपल, ये इतनी बड़ी गलती। भूखा बंगाली किसका वर्ड है, हमने निकाला ना भूखा बंगाली, तो अंधेर है, देर है, अंधेर नहीं है उधर। मैं कोई ज्यादा मजहबी आदमी नहीं हूँ बट द कर्मा कम्स बैक। आप लोगों के दिल दुखाने के लिए बैठे हुए यहाँ, जिसको एक प्यारी चीज लगती है अगर उनको कृष्णा पसंद है तो भैया तुम्हें टेंशन क्या है, तू अपना काम कर, कोई नमाजें पढ़ता नहीं है। इसीलिए तो एक्स मुस्लिम से मुझे गुस्सा आता कि अगर मेरी नानी को दादी को मुसलमान प्रैक्टिस करने में सुकून मिलता है तेरी टेंशन क्या है। बिल्कुल, जिसको जो अच्छा लगता है वो कर लेने। ये तो एक हर इंसान ऊपर वाले ने बनाया, उसकी सोच अलग होती, शक्ल अलग होती, आई बॉल्स अलग, हर इंसान का फिंगरप्रिंट अलग। अरे ये एक करिश्मा तो मान लो, एवरी ह्यूमन बीइंग हैज अ डिफरेंट फिंगरप्रिंट। अरे चुप कर जाओ, मजाक मत उड़ाओ। जो लोग मजहबी वो जो इस्तेमाल करते हैं मजहब को वो दैट्स अ डिफरेंट इशू। लेकिन आप बुल्ले शाह को क्या कहेंगे कि ये नमाजी परहेजगार आदमी, इसका मजाक करो, या अब्दुल लतीफ शाह है या खुशहाल खान खटक है या कैसे कैसा गुलखान नसीर, इनके मजाक उड़ाएंगे हम क्या जस्ट बिकॉज दे आर रिलीजियस। भाई हिंदू हो मुसलमान हो कोई भी जो ईमानदारी से कोई भी चीज करता, वी नीड टू रिस्पेक्ट दैट पर्सन, चाहे वो एथियस्ट हो चाहे वो पंज वक्त का नमाजी हो। लेकिन जो उसको यूज करके ड्रामाबाजी कर रहा है तो वो झूठा सा गलत है, वो गलत है। बाकी तो विश वो कार्ल मार्क्स ने बड़ी अच्छी बात एक पे कही कि इट इज अ बाम जिससे गरीब लोगों को थोड़ी ठंड पहुंचती है, उनके दुखों पे लगाने से उनको सुकून मिलता है। तो ऐसी बात ना करो किसी दुख है और उसको दुख दिए जा रहे चले जा रहे, मतलब बड़ा मजा आता है छेड़ के मुसलमानों का आग लगा दो नीचे से, इसको पकड़े ना ये जिसने चाकू चलाया वो निकल जाएगा, बाकी सारे मारे जाएंगे। चलिए, और चक्कर में सबको वो ऐसे ही समझेंगे। बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने ज्वाइन किया, बहुत अच्छा। अपना ख्याल रखिए और दरवाजे डबल डोर लगाइए, बस खर्चे में खर्चा आजकल गो फंड में पेज बना दो, वाकई बना दो, गो फंड में पेज बनाओ, मैं भेज देता हूँ ऐसे इनिशियल पैसे मैं डाल दूंगा उसमें। अरे नहीं नहीं सर, मैं मैनेज कर लूंगी, दरवाजा तो लगवा ही लूंगी। हाँ। बस दुआ में याद रखिएगा, क्योंकि मैं दुआ में बहुत बिलीव रखती हूँ, मैं भी रिलीजियस नहीं हूँ लेकिन मैं दुआएं बहुत करती हूँ। वो ठीक है, लेकिन डोंट गो दैट एक्स्ट्रा यार्ड अननेसेसरीली। ओके, बी केयरफुल, लोगों के दिल दुखाने में कोई फायदा नहीं है। वो जो था, वो जो तंग करने आया वो तो है ही बदनसीब, उसका खून जला वो तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि कोई जेन्युइन आदमी किसी और का नुकसान नहीं करता, उस पे उसको दुख भी होता है तो वो सह लेता, दैट्स द मेजर ऑफ ह्यूमैनिटी। अब जाइए, बहुत मौलवी पना मैंने कर लिया, मुझे जाता है। थैंक यू सो मच सर, अपना बहुत ख्याल रखिए।